हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन 2021। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले अनबॉक्सिंग एक हार्ड डिस्क की जो हम मैंने रिसेंटली बाय करी है, बिकॉज मेरे सिस्टम में वायरस आ गया था, मालवेयर आ गया था एंड सारी फाइलें लॉक हो गई थी। एंड उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए मुझे काफ़ी मोटी अमाउंट पे करनी पड़ती हैकर्स को, तो मेरे को सारा सिस्टम डिलीट करना पड़ा। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। एंड फिर मैंने मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन देखे एंड दो तीन ब्रांड्स ही अवेलेबल है मार्केट में जो आप अच्छी हार्ड ड्राइव डिलीवर करती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मुझे WD लगी एंड इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या कंटेंट देखने को मिलता है एंड साथ ही में पूरा सेटअप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम इसे सेटअप कर सकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसको यूज करने के लिए, सारा मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड साथ ही में मेरा पर्सनल रिव्यू, बिकॉज मैं इसको एक महीने के अराउंड से यूज कर रहा हूं, सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ। एंड साथ ही में एक और डाउट सबसे ज्यादा रहता है कि आपको 1 TB हार्ड ड्राइव लेनी चाहिए या 2 TB हार्ड ड्राइव लेनी चाहिए, बिकॉज इनमें प्राइस गैप ज्यादा नहीं आता, वो 3,000 या 4,000 के आसपास रहती है एंड जो 2 TB की रहती है वो 4,000 से 5,000 के बीच में वैरी करती है। तो 1,000 रुपए के गैप में आपको 2 TB मिल रही है। इस वीडियो के एंड में मैं वो कंक्लूजन भी दूंगा कि आपको जाना चाहिए 1 TB के साथ या फिर 2 TB ही ले लेनी चाहिए। शुरू करते हैं इस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है डब्बे के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रम, पहली बार में कभी परफेक्ट लैंडिंग नहीं होती, मच बेटर। सो कुछ ऐसा दिखता है आपका बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 TB वाला वेरिएंट ऑर्डर किया था एंड यहाँ पर साइड में आपको इसके स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, क्या सिक्योरिटी ये ऑफर करता है, क्या बैकअप ये ऑफर करता है, ये सब। एंड नाउ लेट्स क्विकली अनबॉक्स इट। सो ये है आपके बॉक्स कंटेंट। बाय द वे, साइड में जो आपको डब्बा दिख रहा है ये बोया BY MM1 का है, ये हमारी वीडियो के प्रमोशन के लिए लगाया गया है। एक्चुअली में हमने रिसेंटली अपना माइक अपग्रेड किया था, अगर आप व्लॉगिंग का सोच रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट माइक है अंडर 2000। इसकी रिव्यू वीडियो एंड अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना अगर आपको लेना है तो। एंड नाउ लेट्स बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ पर पेपर वर्क के मामले में तो पूरा अखबार डाल दिया गया है जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके ऊपर देखने लायक। एंड आई थिंक आप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, सोच रहे हो यार मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। सो ये लो फिर। एंड ये ड्राइव काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है, पहले मैंने सिर्फ इसकी फोटोज देखी थी लेकिन एक्चुअली में मैं श्योर नहीं था, लेकिन जब मैंने इसे एक्चुअली एक्सपीरियंस किया सो यार डेफिनेटली बहुत ही लाइट वेट है ना, आपके हाथ में इजिली फिट हो जाती है तो आप पॉकेट में तो इजिली कैरी कर पाएंगे इसको। बाकी केबल की बात करते हैं तो ये USB 3A to USB केबल रहने वाली है, आप इसको गुम मत करना बिकॉज नॉर्मल केबल नहीं है, आपको अलग से वापस बाय करनी पड़ेगी। बाकी क्वालिटी केबल की काफी अच्छी है, मैं इस केबल की अलग से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकेस अगर आपको गुम हो जाती है तो वहां से आप इसका चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग बिफोर वी प्रोसीड, जो भी प्रोडक्ट्स हम इस वीडियो में दिखाते हैं उनका जो बेस्ट पॉसिबल बाय लिंक होता है, सबसे सस्ता जहां पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट। काफी लोग चाहते थे कि यार जहां पर सबसे सस्ता मिलता है वहां का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, सो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब से। बाकी जो ये केस है जो उसके साथ ही आया है, मैं इसी में से कैरी करता हूं बिकॉज पाउच तो इन्होंने दिया नहीं है, वहां पर तो कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन ये भी अच्छा केस है, मतलब प्लास्टिक काफी टफ सा लगा और एंड जब तक नया रहता है तो आपको शौक रहता है कि यार मैं तो अच्छी जगह रखूंगा इसको, 1-2 साल मतलब सेफ रखूंगा, फिर तो जब ज्यादा साल हो जाते हैं फिर तो हमें पता है कि हम चीजें कैसे यूज करते हैं, कभी इधर फेंक देते हैं कभी उधर फेंक देते हैं, ध्यान भी नहीं होता। लेकिन या आप इसमें रख सकते हैं, इसमें सेफ रहेगा आपका ये। एंड इसके अलावा क्विकली सेटअप पे मूव करने से पहले इसकी LED लाइट जो आपको देखने को मिलती है वो दिखा देता हूँ कि कैसे ब्लिंक करती है वो। मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये आया प्रीडेटर, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं प्रीडेटर से हार्ड ड्राइव को। सो एज यू कैन सी यहाँ पर ब्लिंक होती है लाइट, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे सेटअप में कैसे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें अपनी हार्ड ड्राइव को कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। वेल, एक ही बारी का इंस्टॉलेशन है, फिर तो आप स्मूथली यूज कर पाएंगे लाइफ टाइम। सो सबसे पहले आपको कनेक्ट करनी है, जैसे कनेक्ट करेंगे आपको सिंपली अपने माई पासपोर्ट में जाना है, मतलब कि प्रेस्टन डिजिटल में जाना है। यहाँ पर आपको दो सेटअप देखने को मिलेंगे, एक विंडो के लिए है ना, आप एक मैकबुक के लिए है। अगर आप मैकबुक यूजर है तो आप वो वाला यूज कर लेना, एंड विंडो है तो विंडो, हम विंडो के साथ जाते हैं बिकॉज हमारे पास विंडो है। तो एज यू इंस्टॉल, ये आपसे पूछेगा कि आपको आपका डेटा शेयर करना है क्या इंप्रूवमेंट्स के लिए, तो यार सब के सब हमारे डेटा पीछे क्यों पड़े हैं, सिंपली यहाँ पर नो कर देना। एंड इसके बाद जैसे आपकी नेट की स्पीड होगी उस हिसाब से ये फटाफट डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। एंड एक बार जब ये इंस्टॉल
इंस्टॉल हो जाएगा, आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन देखने को मिलेगा वेस्टर्न डिजिटल डिस्कवरी नाम से, एंड जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे साइड में एक पॉपअप आपको दिख जाएगा, एंड इस पॉपअप के थ्रू आप अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कि आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। लेट्स क्विकली सी कि रीड एंड राइट स्पीड क्या है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी यहाँ पर 100 Mbps क्लेम करती है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप 16 GB के आसपास का ये फोल्डर है, एंड मैं इसको अपने हार्ड ड्राइव के फोल्डर में कॉपी करता हूँ। एंड एज यू कैन सी थ्रू आउट द टाइम इसने 100 Mbps, कभी कभी 50-60 भी चली जाती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 100+ ही था। सो यस, यहाँ पर आपको 100 Mbps देखने को मिलती है। नाउ लेट्स सी कि अगर हम अपने वेस्टर्न डिजिटल में से कोई डेटा कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपको क्या स्पीड देखने को मिलती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 90 के आसपास रह रही है स्पीड, 100 भी टच करती है कई बार, 120, सो क्लोज 100 के आसपास रह रही है रीड स्पीड भी एंड राइट स्पीड भी। सो ये एक अच्छी चीज है, मुझे पर्सनली ये स्पीड सही लगी। हार्ड ड्राइव्स में जनरली इससे भी कम होती है, 60 Mbps रहती है, बट यहाँ पर 100 Mbps देता है वेस्टर्न डिजिटल, तो वो एक अच्छी चीज है। नाउ इट्स अ टाइम जब मैं आपको सेटअप का टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्स में चले जाते हैं, तो आपको 3 apps देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न डिजिटल सिक्योरिटी, वेस्टर्न डिजिटल बैकअप एंड वेस्टर्न डिजिटल ड्राइव यूटिलिटी। वेल, सिक्योरिटी में आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इंस्टॉल नहीं करेंगे इन सॉफ्टवेयर्स को, बिकॉज ये आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है। हम इनकी वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करेंगे, westerndigital.support। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्विकली वहां से क्लिक करके चले जाना यार। URL आप मेरी वीडियो से देख के कॉपी करोगे, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी कि आपको मैक के लिए अलग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, विंडो के लिए अलग, एंड यहाँ पर अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो आप यहीं से डाउनलोड करें, वहां पर उसके थ्रू मत डाउनलोड करें, बिकॉज वहां पर पुराने लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ से आप नए डाउनलोड कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए। बैकअप के लिए यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने जो वेस्टर्न डिजिटल का ऐप था वो डिसॉल्व कर दिया है, एंड इसकी जगह इन्होंने नई चीज की इंटीग्रेशन दी है, एक्रोनिस ट्रू इमेज फॉर वेस्टर्न डिजिटल। ये आपको नहीं पता था, एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है बैकअप्स को। अगर आप वैसे जाते हैं तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल आपको एक्सेस देता है इसका। सो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये अराउंड 700 से 800 MB का है। तो मैंने तो यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे बैकअप मैं मैन्युअली कर लेता हूँ जब भी मुझे मन करता है, बट अगर आपको बैकअप के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ वेस्टर्न डिजिटल के थ्रू इसका एक्सेस ले सकते हैं। इनका पुराना ऐप काम नहीं करता। बाकी सिक्योरिटी वाला मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता है पासवर्ड एंड वेरीफाई पासवर्ड एंड पासवर्ड हिंट डाल के आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, एंड जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तभी आपके अनलॉग होगा। लेकिन मैं यहाँ पासवर्ड डालने की आपको सजेशन नहीं दूंगा, बिकॉज मैं इसको अपने फोन से भी कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं अपना डेटा ट्रांसफर करता रहता हूँ। तो फोन में ये पासवर्ड लगा होगा तो आपको पूरी फॉर्मेट करनी पड़ेगी तभी आप एक्सेस कर पाएंगे, फोन में ये पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको नहीं देता। सो मैंने इसलिए अपने स्मूथ ट्रांजेक्शन्स के लिए मैंने नहीं पासवर्ड डाला इसमें। बाकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या पीसी में यूज करते हैं तो आप पासवर्ड वाला फीचर यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने तीनों ही आपको दिखा दें, यूटिलिटी वाला भी इतना कुछ यूज नहीं होता, एंड आप इनकी वेबसाइट से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इंस्टॉल करने का। बाकी इसके अलावा अगर हमें अपनी हार्ड ड्राइव को इजेक्ट करना है या LED ऑन ऑफ करनी है तो आप यहाँ से जाके इसे ऑफ कर सकते हैं, आपको ये फीचर मिल जाएगा। ओवरऑल इनके सॉफ्टवेयर्स काफी सही एंड ऑप्टिमाइज्ड है यूजर्स के हिसाब से, एंड ऑल इन ऑल काफी स्मूथ इंस्टॉलेशन थी इसकी, एंड बहुत ही सही रीड एंड राइट स्पीड है ओवरऑल इसकी। एंड दैट इज ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस छोटी सी मिनी कॉम्पैक्ट हार्ड ड्राइव के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड मुझे पर्सनली लगता है कि ये बेस्ट हार्ड ड्राइव रहती है, एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी डील मिली Amazon पे जब मैंने इसे बाय किया, मुझे कैशबैक मिला 15% का, एंड अराउंड मुझे 4,300 की ये पड़ी, एंड वही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेस्ट बाय लिंक, एंड जहां से सबसे बेस्ट आप इसे बाय कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी पर्सनली मुझे लगता है कि 1 TB एंड 2 TB में ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसिंग में, तो आपको एक बार थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है 1,000 रुपए के आसपास, लेकिन आपको 2 TB के साथ जाना चाहिए अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले रहे हैं। एंड अगर आपका कंटेंट ज्यादा है, आपका डेटा ज्यादा है, तो प्लीज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लो, बिकॉज अगर मालवेयर अटैक होता है तो आप कोई भी किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाओ, वो अनलॉक नहीं कर सकता। एंड काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी आपको हार्ड ड्राइव में मिल रही है आज के टाइम पे, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये हार्ड ड्राइव। बाकी मैंने आपको सारा इसका सिस्टम बता दिया कि आप कैसे सारे सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अगर इसके अलावा कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ डाल देना, हम तुरंत से तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसी कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे, ऐसी अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। एंड सेफ रहें, अपने सिस्टम को सेफ रखें। बाकी मैं मिलता हूं आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय।